हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 8 के विषय इंग्लिश के एलिमेंट्री एजुकेशन कॉम्प्लीशन सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021-22 का पेपर। तो यहाँ आपके जो टाइम रहने वाला है वो रहेगा 2 आवर एंड 30 मिनट और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 मार्क्स। तो हम पूरे जो पेपर है ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे इसी वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट में यहाँ आपको मिलेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट टू 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो प्रत्येक क्वेश्चन आपका एक नंबर का रहेगा और टोटल 20 मार्क्स के टोटल 20 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड ही पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड। आंसर हो जाएगा सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सेकेंड है, वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। थर्ड है, Whom did jump into the water to rescue? आंसर हो जाएगा जॉनीज वाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर्थ, सॉसेज इज, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट, स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड। यहाँ पर नन ऑफ देम हुएगा जो ऊपर थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, व्हाट वाज द स्पीकर्स रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज। आंसर हो जाएगा ही वाज अशेम। सिक्स्थ है, व्हाई डिड शी बिकम हैप्पी। आंसर हो जाएगा एट द साइट ऑफ द विजिटर। सेवेंथ है, विच इंग्लिश मैन रिपोर्टेड द प्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। आंसर हो जाएगा जनरल बेंट्रिक। एट्थ है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द प्रॉस्परिंग ब्रिटिश। आंसर हो जाएगा कंपनीज लूट। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम टू हिज वाइफ। आंसर हो जाएगा बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ काउज एंड मिल्क। टेन है, व्हाई इज द क्लाइंबर फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड। आंसर हो जाएगा फॉर हैविंग रीच द समिट सेफली। इलेवेंथ है, सीइंग अ माउंटेन पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस अहुल अहलूवालिया फील्स दैट। यहाँ हो जाएगा इट ऑफर्स चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। 12 है, द नैरेटर फाउंड अ शैलो स्पेस बिलो अ सीक्रेट ड्रॉर व्हेन ही पुल आउट द फर्स्ट ड्रॉर। 13 है, इट कालीचरण विपिन बाबू बॉट द बुक्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट, चीप लिटरेचर। 14 है, डॉक्टर चंदा रिकॉल्ड विपिन बाबूज केस अ पेस्कुलर वन बिकॉज ऑफ लैप्स ऑफ मेमरी। 15 है, बिपिन चौधरी बिगेस्ट फियर्स कंसर्निंग हिज पेरेंट प्रेजेंट कंडीशन वॉज, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट, गेटिंग इनसेन। नेक्स्ट है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव मी मीट बिफोर, आज बिपिन बाबू। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हिड्रो फॉल्स। 16 है, आई इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू, तो किसके लिए, एन एक्टर, ऑप्शन बी। 17 द मैन लुक्ड सरप्राइज बिकॉज ही वॉज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन अ वेरेंडा ऑफ योर बेंगलो, यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, यू सेड यू had no children and that you had lost your wife 10 years ago. 19 question hai, in fact it was not strange because the speaker was lying. 20 hai, the facts about the family given here are right. Next hai, second question to 11 question, 20 marks ka hai, arrange the following words to make a meaningful sentence. यहाँ आपको वर्ड्स गिवन है, मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। पटेटो इज वेजिटेबल, तो यहाँ हो जाएगा पटेटो इज अ वेजिटेबल। क्राइंग बेबी इज द, यहाँ हो जाएगा द बेबी इज क्राइंग। स्कूल गो स्टूडेंट्स टू, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड। यहाँ आपको करेक्ट वर्ड को चूज करना है ब्लैंक्स में। महाराणा प्रताप वॉज अ, यहाँ हो जाएगा ब्रेव किंग। कमलेश इज अ courageous boy. This is an important question. यहाँ आपको बता दूँ, ए जो आपका है वो आपके
जो वोवल और कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले ए आता है और अगर वोवल रहता है ए ई आई ओ यू, इससे पहले एन आता है, ठीक है। और डी आता है पर्टिकुलर, अगर नेम की बात हो रही है, पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो डी होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ब्लैंक्स को अपने अनुसार देख सकते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ पैसिव वॉइस, तो यहाँ आपको सेंटेंस गिवन है, आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। ही सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ हो जाएगा अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। महेश सेल्स बनानास, यहाँ हो जाएगा बनानास आर सोल्ड बाय महेश। विवेक ओपन द डोर, यहाँ हो जाएगा द डोर वॉज ओपन बाय विवेक। द पियोन रेंज द रैंक द बेल, यहाँ हो जाएगा द बेल वॉज रंग बाय द पियोन। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो आपका पेपर है, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है आपके, वो आपके पिछले गृह कार्य से ही आएंगे। 90-95% क्वेश्चन आपको अपने गृह कार्यों की से देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से भी जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है, वर्ट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स। यह आंसर हो जाएगा, हैंस वॉल्फ वॉज अ म्यूजिशियन प्लेइंग सेलो इन एन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वॉज अ स्कूल टीचर। हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे आपके सब्जेक्ट इंग्लिश के चैप्टर भी अपलोड कर रखे हैं, तो चैप्टर्स भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। चलिए 13 क्वेश्चन देखेंगे। द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही सी से इट एंड व्हाई। द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। नेक्स्ट टाइम व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, यहाँ हो जाएगा टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड To celebrate Christmas, both saw the sea rise and it started to form and form whirlpools. 15 है, in what ways did the British officer exploit Indians? To earn quick profits, the British imposed heavy taxes, thereby forcing the Indian farmers to abandon their fields. 16 question है, why did Bipin Babu hesitate to visit Mr. Mukherjee? Why did the family decide to phone him? तो यहाँ हो जाएगा, विपिन बाबू hesitated to visit Mr. Mukherjee, thinking that it would be ridiculous if he had really visited Ranchi. Mukherjee would think Bipin Babu had gone mad. Hence, Bipin Babu finally decided to phone him. 17 है, the old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? तो यहाँ देखेंगे, the man did not need money. He valued his freedom more than becoming a slave for gold. Next है, 18 question, what was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो यहाँ हो जाएगा, Mount Everest attracted the author because it is the highest, mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ones of one's energy. 20 question hai, imagine you are Ram from Lalpur Jhunjhunu, write a letter to your friend describing a visit to some place of historical interest during your holidays. तो आपको एक लेटर लिखना है, आपको अपने आप को रामू मानना है फ्रॉम लालपुर झुंझुनू से, और आप अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं विजिट करने के लिए हिस्ट्रिकल जो इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग योर हॉलीडेज पर, तो उसी के लिए इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, डियर राहुल, आई एम वेरी हैप्पी टू राइट टू यू अबाउट विजिटिंग हिस्ट्रिकल प्लेस इन इंडिया। आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विच वुड क्रिएट इंटरेस्ट इन यू टू विजिट। तो ताजमहल इज़ द फर्स्ट प्लेस विच आई वुड लाइक टू विजिट टू सी द आर्किटेक्चर द मार्बल यूज द रियल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट अबाउट द अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड इन महाराष्ट्र, अ रेयर प्लेस विच इज़ यू कुड इन्जॉय सीइंग द केव्स। देयर आर few other place like Missouri place, a great place to see the arrangement of living style of our ancient people, Mahabalipuram in Chennai, etc.
देयर आर मैनी मोर टू गो, प्लीज डू विजिट एंड एंजॉय, योर लविंगली राम झुंझुनू। ठीक है, तो इससे लेटर लिखना था। आपको बता दूं कि लेटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट इंग्लिश के हमने जो आपकी स्टोरीज होती हैं वो भी बहुत सारे अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के वो भी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर अ वीक लीव टू हेडमास्टर योर स्कूल एज यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। आपको वायरल फीवर हुआ है तो आप अटेंड नहीं कर पाएंगे अपनी स्कूल को, तो आपको लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है हेडमास्टर को फॉर अ वीक। ठीक है, 7 दिन की एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है, टू द हेडमास्टर UPS परान 12, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर फीवर लीव with due respect, I want to say that I have been suffering from viral fever since last night, so I was unable to attend school for a week, therefore I requested you to grant me leave for a week, thank you, your obediently। ठीक है, नेम लिख देना है, क्लास लिख देना है। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 words ऑन अ पिकनिक। पिकनिक पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स भी गिवन है, आप इन वर्ड्स की मदद से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहां लिखेंगे, पिकनिक इज द बेस्ट वे टू मेक प्लेजर एंड एंजॉयमेंट इन लीजर टाइम। अ फ्यू वीक अगो आई वेंट ऑन अ पिकनिक फ्रॉम माई स्कूल, वी वेंट टू ताजमहल आगरा, एज यू नो इट इज वेरी पॉपुलर स्पॉट, इट टेक्स 3 hours बाय बस फ्रॉम आवर विलेज टू गो देयर, वी हियर अ माइक्रो बस बिकॉज we hired a microbus because we were 10 students and 2 teachers. That was fun driving and roadside was amazing. We started our journey 8 a.m. and reached 11:30 a.m. We enjoyed ourselves a lot. Taj Mahal was full of spectators and tourists. I did hang out with a few foreign tourists too. Next question here, write a story about 100 words with the help of given outlines. आपको outline given है, तो इन outlines की मदद से आपको एक story लिखनी है जो कि है Hungry Fox and a Crow की। तो यहाँ लिखेंगे, once upon a time there was a fox, he was hungry, he was in search of food, he saw a crow sitting in a tree, the crow had a piece of bread in its beak. The fox wanted to get that piece of bread. Beak यानी चोंच। ठीक है, he thought of a plan. He said to the crow, you have a very sweet voice, can you sing a song for me? The crow opened his beak, the piece of bread fell down, the fox picked it up, ate it and ran away. Moral मिलता है, beware of the flatterers. जो लोग होते हैं उनकी बातों में नहीं आकर के हमें सावधानीपूर्वक रहना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट्स। तो आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस को टाइम ऑफ इवेंट के थ्रू। तो सबसे पहले आ जाएगा, वंस अ वुड कटर वॉज कटिंग वुड नियर अ रिवर, देन आ जाएगा हिज एक्स फेल इनटू द वाटर, देन आ जाएगा ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, देन आ जाएगा द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, और लास्ट में होगा ही बॉट अ गोल्डन एक्स। तो कहानी जो आपने सुनी होगी, 3 कुल्हाड़ियाँ मिलती हैं, सोने की, चांदी की और सिंपल, तो ये वही कहानी से लिया गया है। तो यहाँ अरेंज करना था इन सेंटेंस को। तो इस तरह से हमने कंप्लीट पेपर देखा आपका, जिसमें आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आने वाली एग्जाम्स के लिए सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपके एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्जित करें। हमारा चैनल हमेशा से ये कामना करता रहा है कि आप अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें अपनी क्लास में। तो आप अगर हमें हमारी चैनल से अगर हमारे थ्रू आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिलती है अपने आने वाली एग्जाम्स में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और नए नए वीडियोज़ बनाते रहने की। तो इसी तरह हम मिलेंगे नए नए वीडियोज़ के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।